उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा तेजी से बह रही है, इससे लोगों को तेज और हवा दोनों से परेशानी हो रही है। हालांकि आज बुधवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह और रात में धीमी गति से हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं मंगलवार को मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अगले हफ्ते तक मौसम साफ रहेगा, तेज धूप होने से तापमान में वृद्धि होने के भी आसार हैं। दोपहर में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। वहीं बात करें आगरा जिले की, तो आगरा जिले में गुरुवार से एक बार फिर मौसम बदलेगा। दो दिन से तापमान गिरावट आने से गर्मी से राहत अनुभव करने वाले लोगों को 40 डिग्री तापमान का सामना भी करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने बताया कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। वहीं गोरखपुर में मौसम साफ रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। देवरिया में छिटपुट बादल छाए रहेंगे, बस्ती में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके अलावा बात करें कानपुर की, तो कानपुर में हल्के से मध्यम बादल के साथ हवा की गति औसत रहेगी। वहीं मेरठ जिले में तापमान में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दो दिन से अधिक तापमान में खांसी की कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। मार्च में औसत अधिकतम तापमान 4 साल में सबसे कम रहा। वहीं मौसम विभाग ने 6 अप्रैल तक तापमान नियंत्रित रहने की संभावना जताई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि वैज्ञानिक के मौसम विभाग के अनुसार 3 और 5 अप्रैल को एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिसके प्रभाव से दिल्ली समेत NCR में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है।